हेलो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने 20,000 करोड़ का फंड रेज देखा था वोडाफोन आइडिया की तरफ से, जहां पे वोडाफोन आइडिया जो है उनकी 4G सर्विसेज स्ट्रेंथन करने वाला था, और उसके बाद 5G सर्विसेज के लिए जो है उनके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ा के 5G सर्विसेज को जल्द से जल्द रोल आउट करना चाहता है उनके कुछ मेन सर्कल्स में। और उन सारी चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमारा जो है वोडाफोन आइडिया में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो शेयर ने ऑलमोस्ट 4.5% की जो है उछाल दिखाई थी, और शेयर अभी भी 4.7% के अपर सर्किट के साथ जो है क्लोज होता हुआ हमें नज़र आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको क्विकली स्टार्ट करते हैं कवर करना। देखिए, 20,000 करोड़ का फंड रेस करने के बावजूद वोडाफोन आइडिया टू रेस 2,075 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट टू एबी ग्रुप। तो एबी ग्रुप को जो है यहाँ पे 2,075 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करके वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पे फंड रेस करना चाह रहा है। रिसेंटली सबको पता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, कि जो FPO आया था इनका वहाँ से 18,000 करोड़, प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से 2,000 करोड़, और अभी ये नया वाला 2,075 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला ग्रुप जो है ला रहा है। तो क्या है, देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ऑन ट्यूजडे अनाउंस इट विल रेज अप टू 2,075 करोड़ फ्रॉम ओरियाना इन्वेस्टमेंट, दैट इज आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी, वाया प्रेफरेंशियल शेयर इशू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये शेयर इशू किए जाएंगे, और इतना फंड जो है यहाँ पे रेस करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ लगा मार्केट को, और उसी की वजह से ऑलमोस्ट हमें 4% की तेज़ी देखने को मिली है। आने वाले समय में अगर वोडाफोन आइडिया जल्द से जल्द 5G रोल आउट्स के बारे में कुछ पॉजिटिव अपडेट ला पाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो आप सबको पता है नियर बाय 5 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़ और 7 रुपीज़ के आसपास हमने बार बार बोला है कि अगर आपके पास शेयर उन लेवल्स पे है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो फंड रेज वोडाफोन आइडिया ने किया है उससे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेट हो चुका है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में बना रहेगा, और उसके लिए हर पॉसिबल कोशिश जो है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया करता हुआ हमें दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म में जो है ये शेयर काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप भी प्लीज़ आपका एनालिसिस कीजिएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।